नमस्कार। मोदी सरकार ने जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया है, तभी से पाकिस्तान जैसे बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते भी तोड़ लिए थे। हालांकि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा खुद पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके उसकी अकड़ ढीली नहीं हुई। और आज भी जब बातचीत का मुद्दा उठता है तो पाकिस्तान बीच में कश्मीर ले आता है। दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर मची खींचतान के बीच अब खबर है कि जल्द ही तजाकिस्तान में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुलाकात हो सकती है। दरअसल अगले हफ्ते 23-24 जून को तजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की एक बैठक होने वाली है, जिसमें इस संगठन में शामिल 8 देशों के अलावा कुछ और देशों के भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी बैठक के दौरान NSA अजीत डोभाल चीन और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से अलग से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी भारत की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जरूर जवाब आ गया है। डोभाल से मुलाकात पर क्या बोला पाकिस्तान? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दुशांबे में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। इस बैठक में पाकिस्तानी NSA मोईद यूसुफ भी भाग लेंगे, इसलिए ये संभावना जताई जा रही थी कि भारत और पाकिस्तान के NSA के बीच अलग से द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है। हालांकि ऐसी किसी भी संभावना से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। अटकलों पर विराम लगाते हुए पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा, दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय बैठक की कोई संभावना नहीं है। पाक NSA के इस बयान के बाद डोभाल और यूसुफ के बीच किसी भी तरह की अलग से बैठक की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। वैसे इसी साल की शुरुआत में विदेश मंत्री S. जयशंकर और उनके पाक समकक्ष भी हार्ट ऑफ एशिया की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुशांबे में थे, लेकिन इन दोनों के बीच भी अलग से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। आपको बता दें, साल 2020 में भी SCO के तहत NSA की ये बैठक हुई थी। हालांकि उस समय ये बैठक कोरोना महामारी की वजह से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हुई थी। इस बैठक में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऐसी हरकत की थी जिससे नाराज होकर अजीत डोभाल ने बैठक ही छोड़ दी थी। इस बैठक में पाकिस्तानी NSA ने दरअसल भारत का गलत काल्पनिक नक्शा पेश कर दिया था। ये बैठक के एजेंडे के खिलाफ था। बैठक के बाद एक बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा भी था कि पाकिस्तानी NSA ने जानबूझकर एक काल्पनिक नक्शा पेश किया था जो पाकिस्तान के दुष्प्रचार का हिस्सा था। पाकिस्तान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए करता रहा है। ऐसे में आशंका है कि पाकिस्तान फिर से कहीं पिछली बार की कहानी ना दोहरा दे। SCO की NSA की इस साल होने वाली बैठक में समूह की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी एजेंडा तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही अफगानिस्तान में चल रहे विकास की पृष्ठभूमि में इसका महत्व बढ़ गया है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की योजना के बीच SCO NSA की इस बैठक में अफगानिस्तान एक प्रमुख विषय हो सकता है। तो वही भारत के लिए सीमा पर चीनी सेनाओं का दुस्साहस भी अहम मुद्दा हो सकता है, जिसके लिए NSA अजीत डोभाल अलग से चीन के NSA से मुलाकात कर सकते हैं।